हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अगस्त काउंटी के तीन स्तरों का नियम यानी लॉ ऑफ थ्री स्टेज के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अगस्त काउंटी एक फ्रांसीसी विचारक थे। इनका जन्म 1798 में फ्रांस के मोंटेपलियर नामक स्थान में हुआ था और ये कैथोलिक परिवार से संबंधित थे और इनकी मृत्यु सन 1857 में हुई थी। इनको समाजशास्त्र का पिता यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है और इनके जो गुरु थे उनका नाम सेंट साइमन था। उनका इनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और सेंट साइमन का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की आधारशिला रखी थी। सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में कॉम्ट का तीन स्तरों का नियम इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1822 में ये केवल 24 वर्ष के ही थे, तब ही उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था जिसमें मानव के बौद्धिक विकास के अध्ययन का पता चलता है। अगस्त कॉम्टी ने इसे तीन भागों में बांटा है जिसमें पहला है धार्मिक स्तर थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा है तात्विक स्तर मेटाफिजिकल स्टेज और तीसरा है प्रत्यक्ष स्तर पॉजिटिव स्टेज। पहला है धार्मिक स्तर। कॉम्ट के अनुसार इस स्तर में समस्त चीजों को ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में ही देखा जाता है। धारणा यह होती है कि समस्त चीजों का कार्य रूप अलौकिक शक्तियों देव देवी या आत्मा है तथा समस्त वस्तुओं में वही शक्ति व्याप्त है। पेड़ पौधे, जल प्रवाह, चर अचर आदि सभी में वही शक्ति क्रियाशील है। प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने में इस स्तर पर मानव को केवल एक ही कारण दिखाई देता है और वह कारण है देवी देवता या ऐसी ही अन्य अलौकिक शक्ति। यह विचार ठीक है या गलत यह दूसरी बात है, परंतु इस स्तर पर इसी रूप में अपने आसपास के विषय में मनुष्य सोचता है और मानव तथा पशु में इसी चिंतन करने की शक्ति के आधार पर एक बड़ा अंतर हो जाता है। कॉम्ट के अनुसार इस स्तर के तीन उप स्तर हैं जिसमें पहला है जीवित सत्तावाद यानी फैतिस्म, दूसरा है बहुदेवत्ववाद पॉलीथिस्म, तीसरा है अद्वैतवाद मोनोथिस्म। जीवित सत्तावाद, इसमें कॉम्ट के अनुसार प्रत्येक चीज में एक जीवित सत्ता का अनुभव किया जाता है और उसी के अनुसार अनेक जादू टोनों पर विश्वास भी किया जाता है। दूसरा है बहुदेवत्ववाद, इसमें मनुष्यों का मस्तिष्क अधिक सुसंगठित हो जाता है, इस कारण अनेक देवता व जादू टोनों आदि से मानव परेशान हो जाता है और उन्हें सम्मिलित रूप से देखने की भावना उत्पन्न होती है जिसके फलस्वरूप जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक एक देवी देवता का जन्म होता है। यही बहुदेवत्ववाद का स्तर है क्योंकि इसमें अनेक देवताओं पर विश्वास किया जाता है जो कि जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा है अद्वैतवाद, परंतु इन अनेक देवी देवताओं के कारण भी मानसिक उलझने बनी रहती हैं। इसी कारण से मनुष्य अपने समस्त चिंतन को या श्रद्धा विश्वास को अनेक देवी देवताओं में ना बांटकर किसी एक ईश्वर पर अपनी समस्त श्रद्धा विश्वास आदि को न्यौछावर करने के लिए उन्मुख होता है। यही अद्वैतवाद की स्थिति है, जबकि यह विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक घटना या वस्तु का कारण किसी एक देवता का कार्य है। दूसरा है तात्विक या मेटाफिजिकल स्टेज, इस स्तर पर ईश्वर की वैयक्तिक शक्ति की धारणा लुप्त हो जाती है। ईश्वर का चिंतन व्यक्ति के रूप में न होकर एक अमूर्त शक्ति के रूप में होता है। जो कुछ भी संसार में हो रहा है वह एक व्यक्ति के रूप में ईश्वर के कारण नहीं बल्कि एक अदृश्य या निराकार शक्ति के कारण हो रहा है। इस शक्ति का अस्तित्व है परंतु इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष या किसी शरीर विशेष से नहीं है। उस अमूर्त निराकार शक्ति के आधार पर जो कुछ भी हो रहा है वह शाश्वत है और स्वयं पूर्ण है। इस स्तर की कोई विशिष्ट विशेषता उल्लेखनीय नहीं है क्योंकि यह स्तर धार्मिक और
प्रत्यक्षात्मक स्तर के बीच का स्तर है, जो धार्मिक स्तर है उसमें प्रत्येक घटना के पीछे एक अलौकिक शक्ति को माना जाता था, ठीक है। और तात्विक स्तर में क्या है, इसमें एक अमूर्त निराकार शक्ति को आधार माना गया है। तीसरा है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर, साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज। तात्विक विचार शाश्वत या स्वयं पूर्ण हो सकता है, पर वास्तविक तर्कों तथा तथ्यों पर आधारित नहीं हो सकता। जब व्यक्ति तात्विक विचारों को छोड़कर निरीक्षण और तर्क के आधार पर इस संसार की घटनाओं को समझने और परिभाषित करने लगता है, तब ही वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर में उसका प्रवेश होता है। कॉम्प्ट के अनुसार तर्क और निरीक्षण सम्मिलित रूप में वास्तविक ज्ञान का आधार है। जब हम किसी घटना की व्याख्या करते हैं तो कुछ सामान्य तथ्यों और उस घटना विशेष के बीच संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं। यह अन्वेषण निरीक्षण के द्वारा ही यथार्थ हो सकता है। निरीक्षण ही प्रमाण है, क्योंकि वह वास्तविक है ना कि काल्पनिक। कॉम्प्ट के अनुसार विश्व के विभिन्न तथ्यों, घटनाओं आदि को समझने का वास्तविक तथा निर्भर योग्य साधन निरीक्षण और वर्गीकरण ही है। तो कॉम्प्ट का कहना है कि किसी भी तथ्यों और घटनाओं को समझने के लिए हमें निरीक्षण और वर्गीकरण के द्वारा ही उस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्रत्यक्षात्मक स्तर पर मनुष्य इसलिए ना तो काल्पनिक किला बनाता है और ना ही तात्विक दृष्टि में संसार के विभिन्न तत्वों को देखने का प्रयास करता है। इस स्तर पर ज्ञान का संग्रह ही एकमात्र साध्य या अंतिम उद्देश्य है।